वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाई इंजीनियर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की संध्या में आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पर बात करेंगे जो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक इंस्पिरेशनल कोटेशन जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो। तो कहते हैं, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो इसी संकल्प को हमें बनाए रखना है, चाहे वो संकल्प कोरोना के लिए हो, चाहे वो संकल्प जेईन की इस टारगेट को अचीव करने के लिए हो। तो मुझे उम्मीद है कि इस संकल्प को बनाए रखने में आप सभी लोग सहयोग करेंगे और अपने अपने संकल्प को जिंदा रखेंगे जब तक आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर लेते। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे आज के करंट पर कि अभी इस वीक का जो करंट है वो हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला जो करंट है उसकी बात करते हैं। वेरी गुड, गुड इवनिंग आप सभी को मेरी तरफ से, बहुत बहुत गुड इवनिंग। आइए, तो जो पहला करंट है वो ये कह रहा है कि लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन द यूएस एंड अफ्रीकन कंट्री। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज, ये दो देशों के बीच ऑर्गेनाइज किया गया, दो देशों के बीच हुआ। अब ये कौन कौन से देश है जिनके है कि सबसे पहले कि अमेरिका एवं अफ्रीकी देशों के बीच लैंड सैन्य अभ्यास होना था अभी रिसेंटली। ठीक है, किन किन देशों के बीच? तो एक तरफ तो एक अमेरिका हो गया, दूसरा अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को और ट्यूनिशिया और सेनेगल। ये तीन कंट्रीज हैं, मोरक्को, ट्यूनिशिया और सेनेगल अफ्रीकन कंट्री है, जिनके साथ, इन तीनों कंट्री के साथ और अमेरिका के साथ लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज होना था। कब जी? तो अभी ये 23 मार्च से 4 अप्रैल के बीच होना था, अभी रिसेंटली, अभी जो मार्च चल रहा है इसी में 23 तारीख से ये स्टार्ट होना था परसों से, और ये 4 मार्च तक चलता। लेकिन एक खास वजह से, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक बड़ी महामारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना, COVID-19, जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। अर्थात लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज जो है अमेरिका और ये तीन अफ्रीकन कंट्रीज के बीच जो होना था वो कोरोना की वजह से इसे आप देखेंगे पोस्टपोन कर दिया गया है आगे के लिए। ठीक है, दो बातें समझ ली। उसके बाद अभी अब क्योंकि कोरोना की वजह से काफी सारी चीजें पोस्टपोन की गई हैं या कैंसिल की गई हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो आइए देखते हैं कि आप यहाँ पर केरल, हरियाणा और कोरोना को महामारी घोषित करने के बाद बिहार सरकार ने भी कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। उसके बाद अभी आप देखेंगे कि मिलन नेवी एक्सरसाइज होना था विशाखापत्तनम में, जिसको अभी कोरोना वायरस की वजह से इस मिलन नेवी एक्सरसाइज को भी कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद अभी बैडमिंटन का एशिया चैंपियनशिप होना था, ठीक है, ये वुहान शहर में होना था जहां पर एपिक सेंटर था इसका कोरोना का, जिसको उन्होंने मनीला शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप वुहान चाइना में होना था जिसको फिलीपींस की राजधानी मनीला में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब ये मनीला में होगा। उसके बाद अभी आप एक उससे रिलेटेड एक और फैक्ट्स अगर आप देखें तो अजलन शाह हॉकी कप एवरी ईयर होता है मलेशिया में, अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट, ये जो ये होना था अभी जुलाई मंथ में 2020 में, अब इसको 2020 सितंबर के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब जुलाई में होने वाला अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट अब सितंबर में आयोजित किया जाएगा, कहां पर? तो मलेशिया में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस होना था स्पेन में, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। किस वजह से? कोरोना की वजह से। उसके बाद एक, अब कोरोना की बातें बहुत ज्यादा हो रही है, तो कोरोना से रिलेटेड एक फैक्ट है जो हमें जानना चाहिए और हो सकता है कि अपने कमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो। क्या? तो अभी आप देखेंगे अमेरिका ने एक वैक्सीन तैयार किया है कोरोना को रोकने के लिए। उसका एक ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है इस वैक्सीन का,
और इस पर अभी टाइम लगेगा, हो सकता है 2-4-5 महीने टाइम लगे इस ट्रायल में कि इस ये वैक्सीन क्या कारगर साबित होता है या इससे कोरोना 19 जो है वो रुक पाता है। तो ये अमेरिका के सिएटल में ये वैक्सीन शुरू किया गया है और ह्यूमन ट्रायल पर है। आने वाले 3-4 महीनों में हमें पता चल पाएगा कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल है या नहीं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पहली बार अमेरिका ने एक नया वैक्सीन तैयार किया है जो कोरोना को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए बात करते हैं, ब्राइटनेस थोड़ा कम कीजिए, बच्चे कह रहे हैं सर ब्राइटनेस थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले फैक्ट की, जो अगला करंट अफेयर है उसकी बात करते हैं। ये कह रहा है कि स्टेट लॉन्च द ब्रेक द चेन कैंपेन टू फाइट द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक मिशन, एक कैंपेन शुरू किया है एक राज्य ने, जिसका नाम है ब्रेक द चेन, मतलब इस चेन को ब्रेक करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन लोग तीसरे स्टेज की कगार में है। तीसरा स्टेज का मतलब यह है कि पहला स्टेज है कि इस बीमारी को हम इंपोर्ट करके लाए, मतलब दूसरे देशों से लाए। दूसरा स्टेज है कि हमने अपनों को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को ये स्प्रेड किया दिया। और तीसरा स्टेज है कि अब ये कम्युनिटी स्प्रेड होगा। जैसे आपने घर वालों को दिया और घर वाले 10 लोगों से मिले तो उन 10 लोगों को होगा, और फिर 10 से 100 को, 100 से 1000 को और 1000 से लाखों को होगा। तो अपन लोग तीसरे स्टेज के मुहाने पर है और ये तीसरा स्टेज नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए ब्रेक द चेन, क्योंकि अगर ये चेन ब्रेक हो गया, मतलब अगर ये कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ तो शायद हम लोग कोरोना को रोकने में सफल साबित हो सकते हैं। तो ब्रेक द चेन कैंपेन शुरू किया है, इस शुरू करने वाला राज्य है केरल। केरल ने अभियान शुरू किया है ब्रेक द चेन, जिसके थ्रू हम ये कम्युनिटी स्प्रेड इसे होने से रोक सके। तो केरल सरकार के द्वारा ब्रेक द चेन कैंपेन शुरू किया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद ये इस कैंपेन के थ्रू हम करेंगे क्या और कैसे इस चेन को रोकेंगे। तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस का मतलब रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, यहाँ जितने भी ऐसे पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर मास लेवल पर लोगों की एंट्री और एग्जिट होते हैं, वहां पर एंट्री के साथ ही और एग्जिट के साथ ही नल लगाए जाएंगे, सैनिटाइजर होगा, हैंड वॉश होगा, और वहां पर लोगों को कंपल्सरी रूप से हाथ धोने और हाथों को साफ रख स्वच्छ रखने के लिए के निर्देश दिए जाएंगे और उनसे ये काम करवाया जाएगा, जिससे अंदर किसी को भी या कम्युनिटी को में किसी को भी इंफेक्शन न हो। तो टू क्लीन पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करना और लोगों को अवेयर करना और हैंड वॉश और सैनिटाइजर के थ्रू, ताकि वो आप देखेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड से हम इनको रोक सके। उसके बाद अब क्योंकि केरल ने ये इनिशिएटिव लिया है तो केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्या, आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन कहाँ है, केरल में है। उसके बाद केरल को हम गार्डन ऑफ स्पाइसेस, मतलब मसालों का बाग भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अब अगर हम बात करें केरल के कैपिटल की, तो केरल का कैपिटल कहाँ है, तिरुअनंतपुरम। तिरुअनंतपुरम में केरल का कहाँ है भाई, तो इसका कैपिटल है, ठीक है सर, दिख नहीं रहा है क्लियर, एक बार देखें इसको क्या हुआ। सुनील क्या दिख नहीं रहा है क्लियर, ठीक है स्लाइड को एक बार जला दे, आगे से हो सकता है ब्राइटनेस कम हो। तो क्लियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर नहीं दिख रहा है, आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है, कोई भी इश्यू है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए तो यहां पर केरल, क्योंकि केरल ने ये कैंपेन शुरू किया है, तो केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हमें जानना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि केरल को हम मसालों का बाग भी कहते हैं, नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा है आरएस चौधरी, सुनील पटेल अभी भी नहीं दिख रहा है, बोलो यस और नो, नहीं दिख रहा है, ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से प्रॉब्लम हो रही है सर, मैं बोलता हूं अभी ब्राइटनेस कम करेंगे, जब ओके हो जाए तो मुझे बताना ताकि मैं आप लोगों को कंफर्टेबली बता सकूं। नहीं दिख रहा अरुण, ठीक है अभी मैं बोल रहा हूं, आ रहे हैं वो, अभी ठीक हो जाएगा, ठीक है 2 मिनट वेट करें, ठीक हो जाएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक हो जाएगा। तो मैंने अभी कहा कि क्योंकि
केरल में केरल ने ये कैंपेन शुरू किया है, तो केरल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या हो सकता है तो आइए देखते हैं। केरल का कैपिटल कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। उसके बाद मैं आपको एक और फैक्ट बताऊं कि सबसे पहली बार केरल सरकार ने एलएनजी बसेस की शुरुआत की है, कमर्शियल एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस जो है उससे चलाई जाएंगी कमर्शियल बसेस, मतलब शहरों में जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कमर्शियल बसेस उन बसेस को एलएनजी के थ्रू चलाया जाएगा जिससे कम से कम पॉल्यूशन हो। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर केरल गवर्नमेंट ने एक नया ऐप शुरू किया है जिसका नाम है योद्याऊ ऐप। इस योद्याऊ ऐप जो है इसको शुरू करने का मोटिव क्या है केरल सरकार का? तो इसका मोटिव है कि ड्रग माफिया जो है वह केरल में उनको ट्रैक करना और उनको केरल से बाहर करना और उनसे लोगों को प्रोटेक्ट करने का मोटिव है, जिसके थ्रू अगर कोई भी इस ऐप के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है इन ड्रग माफिया के अगेंस्ट तो उस पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और केरल राज्य से इन ड्रग माफिया को बाहर भगाने का मोटिव है। तो ये योद्याऊ ऐप शुरू किया है ड्रग माफिया को केरल से बाहर भगाने के लिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले इसी से रिलेटेड, केरल से ही रिलेटेड कुछ और करंट है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? अब ठीक है सर, हाँ ठीक है, वेरी गुड, अब दिख रहा है, क्लियर है। आइए अब हम बात करते हैं कि केरल में 22वें अंतरराष्ट्रीय सी फूड का आयोजन किया गया है, 22वें अंतरराष्ट्रीय सी फूड का आयोजन किया गया है केरल में अभी रिसेंटली, ये भी हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी केरल में 4th वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव मई में कोची में ऑर्गेनाइज किया गया था, 4th ग्लोबल आयुर्वेदिक फेस्टिवल की शुरू के ऑर्गेनाइज किया गया था कहां पर? कोची में मई में। तो ये दो बातें हमें ध्यान में, एक तो कौन सा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव था तो 4th था, उसके बाद किस मंथ में तो मई में ऑर्गेनाइज किया गया था, और किस शहर में तो कोची, किस राज्य में तो केरल में, अब केरल में ये ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये चार जो करंट है वो हमें ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। अब केरल से, क्योंकि केरल से रिलेटेड है तो केरल से रिलेटेड कुछ और बातें हैं जो अभी रिसेंटली न्यूज में फ्लैश हो रही है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। आइए क्या है, तो जैसा कि अभी हम सभी लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि सबरीमाला जो टेम्पल है उस पर सुप्रीम कोर्ट में काफी सारे केसेस आए और उस पर डिस्प्यूट में चल रहा था, तो ये सबरीमाला मंदिर से काफी सारा खजाना मिला है गोल्ड, ठीक है, और इस गोल्ड को इवेल्युएट करने की कितने का गोल्ड है, कितने अमाउंट का है और कितना टन है, इसको इवेल्युएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीएन रामचंद्रन को हेड चीफ के रूप में अपॉइंट किया है जो ये डिसाइड करेंगे कि कितना गोल्ड है, कितना टन है और कितने का गोल्ड है, उसके अकॉर्डिंग फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगी कि इस गोल्ड का क्या करना है। तो ये सबरीमाला मंदिर जो केरल में है इस, ये भी काफी विवाद में रहा और न्यूज में रहा, तो ये भी हमने जानना जरूरी है। अब ये नहीं पूछ सकता है, ये पूछ ले कि सबरीमाला मंदिर कहाँ है, और दूसरा पूछ ले कि गोल्ड के इवेल्युएशन या वहां पर जो भी एसेट्स मिले हैं उसके इवेल्युएशन के लिए किस कमेटी को ऑर्गेनाइज, किसके लीडरशिप में कमेटी बनाई गई है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है कि सीएन रामचंद्रन के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई है जो सबरीमाला मंदिर में जो गोल्ड मिला है उसको इवेल्युएट करेगी और उस पर अपनी सिफारिश या रिकमेंडेशंस सुप्रीम कोर्ट को देगी। वॉल्यूम बढ़ाइए सर, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं भाई बच्चे, ठीक है, क्यों वॉल्यूम कम आ रही है, आ रही हाँ या ना मैं जवाब दो ताकि हम इस पर काम कर सके। आइए नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं केरल की, तो केरल में अभी मैंने लास्ट जो करंट आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि केरल ने एक मिशन शुरू किया है जिसमें मिशन है मैं भी डिजिटल हूं नाम से एक मिशन शुरू किया है, एक स्कीम जिसमें सभी गवर्नमेंट ऑफिसेस और जितने भी आप देखेंगे डिपार्टमेंट्स या गांव-गांव शहर-शहर सब लोगों को डिजिटलाइज करने की योजना है केरल सरकार की, ठीक है, तो मैं भी डिजिटल हूं ये स्कीम, ये योजना केरल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अब क्योंकि केरल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो केरल से रिलेटेड कुछ डेमोग्राफिक है लेजिस्लेशन से रिलेटेड जो हमें जानना चाहिए क्या? तो केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है जी? तो लोकसभा सीटों की संख्या है
20, 20 लोकसभा की सीटों की संख्या केरल में 20 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है 9 है, और अगर हम विधानसभा की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो विधानसभा के सीटों की संख्या है 141 विधानसभा की सीटों वाली विधानसभा है केरल की। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, कई बार कुछ और क्योंकि करंट में मूव करता है तो ये भी डेमोग्राफिक ये सब भी डिटेल पूछ लेता है जो हमें आना चाहिए और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। अगला करंट कहता है कि अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसका, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के। ठीक है, तो अगर आप देखें तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए सीएमडी नियुक्त हुए रविंद्र सिंह ढिलोन, रविंद्र सिंह ढिलोन को नया सीएमडी नियुक्त किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। ठीक है, और इस पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहां है जी, तो नई दिल्ली में है। और अभी पिछले वीक में एक करंट में मूव कर रहा था क्या, तो टाटा पावर ने अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक क्रिकेटर को अपॉइंट किया है जिनका नाम है सरदुल ठाकुर। सरदुल ठाकुर को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है किसने, टाटा पावर ने, और टाटा पावर के द्वारा अपनी कंपनी के फैसिलिटीज और इस पावर के एक्सपेंशन को बढ़ाया जा सके इसकी पब्लिसिटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सरदुल ठाकुर को पिछले वीक में नियुक्त किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है कि वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइंग कार PLV लिबर्टी बी मेड, विश्व की पहली उड़ने वाली कार निर्मित की जाएगी, विश्व की पहली उड़ने वाली कार निर्मित की जाएगी। कौन सी कार है जी, उसका नाम क्या है, कहां बनी है और कहां पर बनाई जाएगी या किस देश के द्वारा बनाई जाएगी। आइए देखते हैं कि यहां पर अगर हम बात करें तो PALV इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है पर्सनल एयर लैंड व्हीकल, पर्सनल एयर लैंड व्हीकल इसका फुल फॉर्म है PLV का। और ये जो कार है, ये उड़ने वाली कार है, ये डच कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी, कहां पे, तो गुजरात में, गुजरात में इसका आप इस ये इसकी कंपनी लगाई गई है जिसको बनाने में सहयोग करेगी डच कंपनी। ठीक है, और इस कार की ये विशेषता है कि इस कार में दो इंजन लगे हुए हैं इस कार में। ठीक है, ये कार ऑन रोड मतलब रोड पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलेगी, 160 per hour, और अगर हम बाय ऑन एयर की बात करें तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलेगी ये हवा में, मतलब उड़ेगी। और इसकी एक और विशेषता है कि ये 3 मिनट में within 3 minutes उड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। समझ में आ रही है बात, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये उड़ने वाली कार जो है गुजरात में डच कंपनी के द्वारा बनाई जाएगी, और इसकी एक खास विशेषता है जो मैंने अभी आपको बताया। अब क्योंकि ये गुजरात में निर्मित होगी तो गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कौन जी, तो गुजरात में आप देखेंगे कि गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय रूपानी है। गुजरात के गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत जी है। और गुजरात का कैपिटल कहां है, तो गांधी नगर है। ठीक है, अब गुजरात से रिलेटेड कुछ और आप देखेंगे करेंट्स है, ये करेंट के रूप में फैक्ट है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जिसको जानना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो सारे फैक्ट एक साथ मैंने कलेक्ट किए हैं ताकि आप उनको समझ सके। आइए देखते हैं क्या और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि सोलर रूफ टॉप स्थापित करने में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, अगर भारत सरकार के द्वारा सोलर को प्रमोट किया जा रहा है और इसमें सोलर रूफटॉप स्थापित करने में नंबर 1 पोजीशन पर है, कौन, गुजरात। गुजरात सोलर रूफटॉप स्थापित करने में नंबर 1 प्रथम पोजीशन पर है, शीर्ष स्थान पर है। दूसरे हम बात करें तो अभी फरवरी में
13वां प्रवासी प्रजाति संरक्षण प्रवासी प्रजाति संरक्षण कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे मनाया गया है कहां पर, तो गांधीनगर में फरवरी में ये 13 प्रवासी प्रजाति संरक्षण, जो भी प्रवासी पक्षियां या जीव जंतु हमारे देश में है उनको संरक्षित करने के लिए हमने एक दिवस के रूप में मनाया है, फरवरी में मनाया गया और ये मनाया गया गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गिर नेशनल पार्क कहाँ है, जो एशियाई शेर है उसके लिए काफी फेमस है ये गिर नेशनल पार्क और ये एशिया में एकमात्र है, तो ठीक है ये कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद कई बार एग्जाम में पूछा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है और कहाँ है, तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है जी, तो गुजरात में है और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है ये सरदार सरोवर बांध। अगले अगर हम फैक्ट अगले हम फैक्ट की बात करें जो गुजरात से रिलेटेड है, तो यहाँ पर एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट करंट बताऊं कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप कुछ लिस्ट 8 अजूबों की एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें भारत की स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है सरदार पटेल की जो सबसे बड़ी मूर्ति वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति जो 182 meters की है उसको शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 8 अजूबों की सूची में शामिल किया है। तो ये दोनों ही बातें अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 8 अजूबों की सूची में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को शामिल किया गया है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट जानते हैं आप लोग कितनी है, 182 meters है। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगले करंट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट करंट कहता है कि द कंट्री लार्जेस्ट रिलीजन साइकिल हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड। अभी रिसेंटली आप देखेंगे यमुना नगर में एक बहुत बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है, ठीक है, जिसमें 24 तीलियां हैं आप सभी लोगों को मालूम होगा, इस तरह की लार्जेस्ट इस तरह का एक चक्र स्थापित किया गया है कहां पर, तो हरियाणा के यमुना नगर में स्थापित किया गया है और यह हुआ था 2019 में स्थापित हुआ था, तो इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, क्यों भाई, तो ये देश के सबसे बड़े धर्म को आप इंगित करता है, सबसे बड़े धर्म को, तो यहां पर एक चक्र के रूप में स्थापित किया गया 2019 में और ये हरियाणा के यमुना नगर में, ठीक है, स्थापित किया गया है, ठीक है। और इसकी एक खास विशेषता है कि ये पूरी तरह से आयरन मेटल से बना है, लोहे से बना है और इसकी जो वेट है वो है 6 tons, इस जो चक्र की वेट है वो है 6 tons और ये पूरी तरह से आयरन से बना है और इसका डायमेंशन 30 feet है, ब्यास जो है उसका 30 feet है इस गोल चक्र का, ठीक है। और मैं आपको बताऊं इस गोल जो चक्र है इसको हम अशोक चक्र के नाम से जानते हैं जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है, अशोक चक्र अपन लोगों को मालूम होगा, आज से 2500 साल पहले अशोक के काल में इसे धर्म चक्र के रूप में जाना गया और अशोक ने धर्म चक्र के रूप में इसे शुरू किया जिसे बाद में भारत सरकार के द्वारा इसे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी, क्योंकि हरियाणा की बात कर रहे हैं तो हरियाणा ने सरकार ने एक नया स्कीम शुरू किया है जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ठीक है। और आपको यह भी मालूम होगा कि हरियाणा सरकार ने 2020 को गुड गवर्नेंस सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, ये मैंने आपको पीछे वाले करंट में भी बताया था, तो ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 2020 को हरियाणा सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रहा है और ये जो सुशासन है सुशासन दिवस ये 25 दिसंबर गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 25 दिसंबर को किसका जन्मदिन है, किसकी याद में ये सुशासन दिवस शुरू किया गया, तो ये किया गया है अटल जी, जो आप देखेंगे बीजेपी के एक फेमस और रिनॉन्ड आप देख ये नेता रह चुके हैं जिनकी जिनकी मृत्यु हो गई, तो अटल जी की याद में उनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और 2020 को हरियाणा ने सुशासन संकल्प दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं, यहां पर आप देखेंगे अभी गवर्नमेंट ने कई स्टेट में कुछ अलग अलग नाम चेंज करने की घोषणा करी है जिसमें
यहाँ पर अभी आपको पता कि फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम चेंज करके अरुण जेटली मैदान के अरुण जेटली क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम के रूप में उसका नाम बदल दिया गया। वैसे ही सुषमा स्वराज, ये भी एक फेमस आप देखेंगे लीडर थी बीजेपी की, इनके नाम पर भी हरियाणा में एक बस स्टैंड का नाम बदला गया है। क्या? तो अंबाला बस स्टैंड जो है, अंबाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदल के सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर हम बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट कह रहा है द इंस्टीट्यूट डेवलप सर्च बेस्ड हेमोस्टेट मेटेरियल। अभी एक इंस्टीट्यूट है जिसने स्टार्च बेस्ड होमोस्टेट मेटेरियल डेवलप किया है। ये होमोस्टेट मेटेरियल का मतलब क्या है? तो होमोस्टेट मेटेरियल का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई अगर दुर्घटना हो जाए और दुर्घटना होने के बाद जब हमारी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है तो ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड को क्लॉट करने के लिए होमोस्टेट स्टार्च की डेवलप किया गया है। इसको डेवलप करने वाली जो संस्था है उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पुणे, ठीक है। ये अभी सर क्लास की तरफ फनी वे में ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। आप लोग अपना फीडबैक जरूर देते रहिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं, ये कह रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी ने हेमोस्टेट सामग्री तैयार की है। इसका काम है कि ब्लड की जो क्लॉटिंग, ब्लड जो फ्लोट होता है, जब एक्सीडेंट के दौरान हमारे शरीर से जो खून निकलता है और रुकता नहीं है, तो उसको रोकने में सहायक करेगा ये हेमोस्टेट, ठीक है। इसको डेवलप किया किसने किया है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। अब अभी इस इंस्टीट्यूट के चीफ कौन है जी? इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी के, तो इसके चीफ है अमिताभ पात्रा। अमिताभ पात्रा जी इस इंस्टीट्यूट के चीफ है, हेड है। और आप देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि खून बहने को रोकता है ये। और रिसेंटली मैं आपको एक और डेवलपमेंट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, इसने एक इंपॉर्टेंट रिसर्च किया है। क्या है वो रिसर्च? तो वो रिसर्च है कि कोविड 19 के 11 स्ट्रेन जो है इसको अलग करने वाला पांचवा देश बन गया है भारत। वायरोलॉजी ने कोविड, जो कोरोना वायरस है, इसके 11 स्ट्रेन को अलग करने वाला पांचवा देश भारत बन गया है, ठीक है। हालांकि अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, फाइनली अभी तक किसी ने भी इसका मेडिसिन या कोई इंजेक्शन अभी नहीं खोज पाए हैं, ट्रायल चल रहा है। आने वाले वक्त में हमें यह पता चल पाएगा कि इस पर सक्सेसफुल मेडिसिन या इंजेक्शन कौन सा है या हम इसको कैसे प्रिवेंट कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर कहता है कि एसएपी ग्लोबल रेटिंग एस्टिमेट्स हाउ मच इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग ने अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट की रैंकिंग डिसाइड की है। जीडीपी ग्रोथ रेट किया, सभी लोगों को मालूम होगा जीडीपी ग्रोथ रेट, तो उसकी रैंकिंग डिसाइड की है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उस उन्होंने डिसाइड करके बताया 5.2। पहले इन्होंने जो एसएपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने जो पहले बताई थी जीडीपी ग्रोथ रेट की वो थी 5.7, लेकिन अब कोरोना वायरस के इफेक्ट को देखते हुए इन्होंने 5.7 से घटा के इसे 5.2 कर दिया गया है, कर दिया है, ठीक है। सर आप दिख नहीं रहे हो, सही में थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाओ, कभी कहते हो ब्राइटनेस कम करो, कभी कहते हो बढ़ाओ। तुम लोग अपने मोबाइल की पोजीशन सही रखो तो आपको सही दिखेगा। यहां पर अभी ब्राइटनेस बढ़ाई थी, फिर किसी ने कहा कि कम करो तो कम कर दिया, तो मुझे उम्मीद है कि अब साफ दिखाई देगा। हो सकता है मेरे कैप की वजह से भी मेरा चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा हो, तो उस पर ब्राइटनेस पे नजर आ रहा है। स्क्रीन साफ दिख रही है कि नहीं? अब कह रहे हो वॉल्यूम बढ़ाओ, आइए अभी मैंने बोला नहीं है, अब बोलूंगा तो वॉल्यूम सुनाई देगा। आइए, तो एसएपी ग्लोबल रेटिंग ने, जिसने पहले भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट डिसाइड की थी 5.7, और अब उसने कोरोना वायरस को इफेक्ट को देखते हुए अब जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो 5.2%
कर दी है। इसके साथ हमारे वर्ल्ड की कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो जीडीपी ग्रोथ रेट डिसाइड करती हैं। जैसे अगर हम बात करें मूडी की बात करें तो मूडी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट जो डिसाइड किया है वो है 5.3%। और अगर हम ओईसीडी की बात करें तो इसने भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट डिसाइड किए जो 5.1% ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2020 के दौरान। और एक और संस्था है जिसका नाम है फिच, FITCH। इस फिच ने भी 5.1% जो है ग्रोथ रेट अनुमान किया है भारत का इस कोरोना वायरस की वजह से। तो ऑलमोस्ट जो कंपनियां हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.123 इसी के बीच में रखा है। तो S&P के द्वारा 5.2% डिसाइड किया गया है, मूडी के द्वारा 5.3%, OECD के द्वारा 5.1% और फिच के द्वारा 5.1% डिसाइड किया गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि किसके द्वारा अभी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है भारत का वो कितना परसेंट डिसाइड किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो पुराना नहीं बल्कि नया हमें ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस इफेक्ट की वजह से काफी असर पड़ा है वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमी पर और इंक्लूडिंग अपन भी, मतलब अपने देश पर भी। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं हम नेक्स्ट अगले फैक्ट की तरफ, अगले करंट अफेयर की तरफ। ये कह रहा है कि अपॉइंटेड द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल क्लाउड इंडिया, गूगल क्लाउड इंडिया, गूगल क्लाउड इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए निदेशक के रूप में करण बाजवा को अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है। और आप देखेंगे कि ये जो गूगल क्लाउड इंडिया है इसकी स्थापना 1998 में की गई। इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ठीक है, और इसके सीईओ, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचई। इसके फाउंडर कौन है जी, तो आप देखेंगे लैरी पेज और सर्गी ब्रैन। ठीक है, अभी गूगल की एक और पैरेंट कंपनी है जिसका नाम है अल्फाबेट इंक। इस अल्फाबेट इंक के भी सीईओ सुंदर पिचई को बनाया गया है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अब गूगल क्लाउड इंडिया है, इसने अपना एक सेंटर पहले मुंबई में बना रखा था, दूसरा सेंटर भारत में, गूगल क्लाउड इंडिया का दूसरा सेंटर नई दिल्ली में अभी रिसेंटली स्थापित किया गया है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि गूगल क्लाउड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में करण बाजवा को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है कि सेलिब्रेटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेट किया जाता है कब जी। अब सबसे पहले तो ये समझे कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है क्या, ये सब जो चीजें हैं इसका निर्माण ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाता है, आयुध कारखाना में किया जाता है। इसके 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 स्थापना दिवस के साथ ही हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भी मनाते हैं। इसकी स्थापना 18 मार्च 1802 को, 18th of March 1802 को हुई थी, और उसके बाद हम हर साल 18th मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो बोर्ड है ये वर्ल्ड में 37th पोजीशन पर है, जो मास लेवल पर इस तरह के आप देखेंगे ऑर्डिनेंस से रिगार्डिंग गोली बंदूक बारूद इनका निर्माण करती है, और एशिया में ये दूसरे नंबर पर है और इंडिया की ये पहली है। ठीक है, उसके बाद जो रक्षा उपकरणों का निर्माण करती है, और अभी आप देखेंगे कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के पीछे अभी रिसेंट में चल रहा था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन अपॉइंट किए गए श्री हरि मोहन को। श्री हरि मोहन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का चेयरमैन भी अपॉइंट किया गया, अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो 18th of March को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, इसकी स्थापना दिवस के रूप में, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट 37 रक्षा उपकरणों को निर्माण करने में है ये, एशिया की दूसरी और भारत की पहली है।
आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ. अगला करंट कह रहा है कि स्टेट इज द न्यूट्रिशन फॉर नाइट ऑर्गेनाइज्ड. पोषण पखवाड़ा किस राज्य में आयोजित किया गया? पोषण पखवाड़ा न्यूट्रिशन फॉर नाइट का मतलब क्या है? तो उस राज्य के सभी आयु वर्ग के बच्चे, एडल्ट और बुजुर्ग, सभी लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और न्यूट्रिशन से उनकी इम्यून सिस्टम बढ़े और सबको पर्याप्त भोजन मिले, इसकी कोशिश की गई है. तो इसमें किस राज्य ने इस न्यूट्रिशन फॉर्टनाइट को ऑर्गेनाइज किया है? तो उसको शुरू करने वाला राज्य गोवा है. गोवा सरकार ने सुनिश्चित किया है कि उस राज्य के सभी आयु वर्ग के लोगों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले और सभी स्वस्थ रहे और पर्याप्त भोजन मिले, इसकी कोशिश की गई है गोवा सरकार के द्वारा. और ये कब मनाया जा रहा है? तो ये शुरू हुआ 8 मार्च से लेके 22 मार्च तक ये मनाया जाता रहा है. अभी 22 मार्च मतलब कल तक मनाया जाता रहा, ठीक है. तो 8 से 22 मार्च के बीच ये पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया है, ठीक है. और अब क्योंकि यहाँ पर गोवा में ये पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया है, तो गोवा से रिलेटेड अपने पास कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. पहला, गोवा का कैपिटल कहाँ है जी? तो गोवा का कैपिटल पणजी, कई बार एग्जाम में पूछा है. और सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा है कि ये जो पणजी है वो किस रिवर के किनारे है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, मांडवी रिवर है, मांडवी, जिसके किनारे पणजी है, गोवा की राजधानी पणजी. कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको हमें ध्यान में रखना है. उसके बाद अभी रिसेंटली गोवा के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत है, ठीक है. तो उसके और नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, गोवा के गवर्नर कौन है? तो सत्यपाल मलिक जी हैं. गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो एवरी ईयर आप देखेंगे 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है. अर्थात पुर्तगालियों ने अंततः 1961 में गोवा को मुक्त किया, ठीक है. तो गोवा को का मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है. भी है सत्यपाल मलिक अभी ट्रेडिंग में भी है. हाँ बिल्कुल, सत्यपाल मलिक ट्रेडिंग में इसलिए है कि सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर हुआ करते थे और अभी उनको रिसेंटली भेजा गया है गोवा में, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है गोवा. उनको बार बार याद आ रही है जम्मू एंड कश्मीर की. तो जम्मू एंड कश्मीर के जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किए गए, उनको वो सही नहीं मान रहे. उनका यह मानना है कि मैं ही ज्यादा अप्रोप्रिएट पर्सन हूँ जम्मू एंड कश्मीर के लिए. इट मीन्स कि जम्मू एंड कश्मीर से उनको कुछ ज्यादा ही प्रेम है, इसलिए अभी रिसेंटली न्यूज में ट्रेंड कर रहे हैं, ठीक है. आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पर नेक्स्ट फैक्ट की तरफ, तो ये सत्यपाल मलिक जी हैं जो पहले जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे. अभी जम्मू और कश्मीर जब दो यूनियन टेरिटरी में बट गया, तो इनको गोवा का बना दिया गया है गवर्नर. गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है. क्षेत्रफल के अनुसार गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट है. और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान, अर्थात राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य है. उसके बाद अगर हम बात करें अभी रिसेंटली, तो रिसेंटली बात यह है कि अभी प्रमोद सावंत से पहले मनोहर पारिकर जो थे वो गोवा के चीफ मिनिस्टर थे. अब वो एक्स चीफ मिनिस्टर हो गए, उनकी गले के कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई. और उनकी याद में भारत सरकार ने रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रख दिया गया है, ठीक है. तो यह भी हमें ध्यान में रखना है कि मनोहर पारिकर के नाम पर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम रख दिया गया है, ठीक है, जो हमारे देश के एक्स डिफेंस मिनिस्टर और एक्स सीएम ऑफ गोवा थे, ठीक है. ये भी हमें ध्यान रखना है. उसके बाद अभी गोवा में आप देखेंगे नेशनल गेम्स भी हुए हैं, ठीक है. तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है. मोदी जी ने सब इधर का उधर कर दिया, ठीक है. आइए तो अब हम लोग बात करते हैं अगले करंट की तरफ. अगला करंट कह रहा है ओन द टाइटल ऑफ इंडियन सुपर लीग, इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीत लिया है? किसने जीता है जी इंडियन सुपर लीग का खिताब? तो आप देखेंगे कलकत्ता की एक फुटबॉल टीम है जिसका नाम है एटीके फुटबॉल क्लब, और एक चेन्नईयन फुटबॉल क्लब है. अभी रिसेंटली गोवा में के गोवा के फरदोदा स्टेडियम में ये इंडियन सुपर लीग चैंपियनशिप हुआ था फुटबॉल का,
जिसमें एटीके कलकत्ता की जो फुटबॉल क्लब टीम है उसने चेन्नईयन फुटबॉल क्लब को डिफीट कर दिया, हरा दिया और इंडियन सुपर लीग का खिताब जीत लिया। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊं मैं इसके साथ कि यहां पर थर्ड टाइम लगातार तीसरी बार ये एटीके कलकत्ता के फुटबॉल क्लब ने ये इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है, लगातार तीसरी बार। ठीक है, तो गोवा के फारदोदा स्टेडियम में इंडियन सुपर लीग ये फुटबॉल मैच हुआ जिसमें कलकत्ता की टीम ने चेन्नई के इस फुटबॉल टीम क्लब को हरा कर ये अवार्ड जीता है। आइए बढ़ते हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कहता है हिस्टोरिक बिल्डिंग विल बी इंक्लूड इन द आइकॉनिक साइट्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के द्वारा एक नया, आप देखेंगे एक नया ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक कुछ इंपॉर्टेंट हमारे देश के मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी एक लिस्टिंग की गई है जिसका नाम रखा गया है आइकॉनिक साइट्स, जो भी हमारे देश के हैं उनको, उन आइकॉनिक साइट्स को डिफाइन करने के लिए, उनकी एक लिस्ट तैयार करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आइकॉनिक साइट शुरू किया गया है। अब ये है क्या, तो यहां पर इस आइकॉनिक साइट में दो प्रमुख जो मॉन्यूमेंट्स हैं, दो प्रमुख जो आर्किटेक्चर है उसको शामिल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन कौन सी, तो पहली है स्टैचू ऑफ यूनिटी को आइकॉनिक साइट में शामिल किया गया है, और इसके साथ ही कोणार्क जो सन टेम्पल है इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आइकॉनिक साइट में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे ये जो आइकॉनिक साइट है ये 17 कुछ आइकॉनिक जो प्लेसेस है उनकी लिस्ट है, जिसमें इस 17 के लिस्ट में स्टैचू ऑफ यूनिटी और कोणार्क सन टेम्पल को शामिल किया गया है। आपको मैं एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो ये कोणार्क जो सन टेम्पल है इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ है जी सन टेम्पल, तो ये है उड़ीसा में, जिसका अब हम ओडिशा बोलते हैं। तो ये सन कोणार्क सन टेम्पल जिसको पुराने कई सारे लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, और ये उड़ीसा में है जो इस 17 की लिस्ट में शामिल है। तो 17 के आइकॉनिक साइट की लिस्ट में इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी और कोणार्क सन टेम्पल को शामिल किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब यहां पर दो और इंपॉर्टेंट आपको मैं फैक्ट बताऊं अभी करेंट के रिगार्डिंग, तो वो ये है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में भारत सरकार ने दो महत्वपूर्ण प्लेसेस को शामिल करने की योजना बनाई है। कौन कौन सी, तो दक्कन सल्तनत के जितने भी आर्किटेक्चर्स हैं साउथ इंडिया के, दक्कन सल्तनत के, और जो धौलावीरा गुजरात में है इनके, तो धौलावीरा गुजरात के साइट्स और दक्कन सल्तनत के जो आर्किटेक्चर्स हैं इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में शामिल करने की योजना है केंद्र सरकार की। और केंद्र सरकार का ये मोटिव है कि इन दोनों प्लेसेस को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल कर सके ताकि हम इनको भी प्रोटेक्ट कर सके और संरक्षित रख सके। आइए बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। अगला करंट कहता है कि इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ कंट्री फॉर द परचेज ऑफ 880 करोड़ लाइट मशीन गन्स। 880 करोड़ रुपए का लाइट मशीन गन खरीदने की एक ट्रीटी, एक समझौता हमने एक देश के साथ किया है। वो कौन से देश हैं और क्या करेंगे, तो आइए देखते हैं कि भारत ने, ओहो क्या हो गया, भारत ने 880 करोड़ के लाइट मशीन गन की खरीद के लिए एक समझौता किया है। किसके साथ ये समझौता किया है, तो आप देखेंगे कि ये समझौता जो 880 करोड़ रुपए का मशीन गन, लाइट मशीन गन खरीदने का जो समझौता किया गया, ये खरीद हमने इसराइल के साथ किया है। ठीक है, इसराइल के साथ 880 करोड़ में हम 16,479 लाइट मशीन गन हम खरीदेंगे 880 करोड़ का। ठीक है, 16,479 लाइट मशीन गन हम खरीदेंगे किसके साथ, इसराइल के साथ। ठीक है, अभी रिसेंटली ट्रीटी हुई है, और इस मशीन गन का नाम क्या है, नेगीव मशीन गन। इस जो लाइट मशीन गन हम खरीदेंगे उस मशीन गन का नाम है नेगीव मशीन गन। ठीक है, और आपको मैं कुछ और बताऊं यहां से, तो भारत सबसे ज्यादा रक्षा उत्पादों का निर्यात दो देशों के साथ करता है,
जिसमें नंबर वन पोजीशन पर है रसिया। रसिया से हम सबसे ज्यादा रक्षा जो रक्षा की जो चीजें हैं वो हम निर्यात करते हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पर है इजराइल। अभी रिसेंटली आप देखेंगे रसिया से हमने एक समझौता किया जिसमें AK-203 मशीन गन हम खरीदेंगे रसिया से, ठीक है, खरीद रहे हैं, और एसोल्ट राइफल खरीदने का समझौता हमने किया है किसके साथ, अमेरिका के साथ। तो आप देखेंगे ये भी बातें हमें ध्यान में रखनी है, सबसे ज्यादा हम रक्षा उत्पाद रसिया से खरीदते हैं, दूसरे नंबर पर इसराइल से, ठीक है, और अभी रसिया से हम AK-203 मशीन गन खरीद रहे हैं और एसोल्ट राइफल हम अमेरिका से खरीद रहे हैं, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं मैं आपको कि अभी इसराइल ने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ मिलके उन्नत मानव रहित विमान अर्थात ड्रोन बना रहा है जिसका नाम है हीरोन टीपी। मतलब इसराइल और HAL ये दोनों मिलके भारत में एक लेटेस्ट टाइप का ड्रोन बना रहे हैं जिस ड्रोन का नाम है हीरोन टीपी, ठीक है। ये ड्रोन काफी सारे वेपन से लैस रहेगा और काफी मॉडर्न ड्रोन के रूप में इसे जाना जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर इसराइल की बात हम बार बार कर रहे हैं तो इसराइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख ले हम। क्या तो इसराइल का कैपिटल कहां है जी, तो जेरूसलम में है। इसराइल की करेंसी कौन सी है, तो इसराइल न्यू सेकेल। उसके बाद इसराइल के रिसेंट पीएम कौन है, तो बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है। तो ये इसराइल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे क्योंकि ये करंट में मूव कर रहा है तो हो सकता है इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछ ले। आइए बढ़ते हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है कि सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है, तो ये एवरी ईयर 20 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ठीक है। इस बार 2020 का जो थीम था इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे का वो था हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर ये 2020 में का थीम था हैप्पीनेस का, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है इसकी शुरुआत 2013 में की गई 20 मार्च से, ठीक है। तो उस 2013 के बाद एवरी ईयर 20 मार्च को हम वर्ल्ड इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के रूप में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है। और एक और चीज बताऊं आपको कि 20 मार्च को गौरैया दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आप जानते हैं कि गांव में छोटी छोटी जो बर्ड्स होती है गौरैया जो हमारे घरों में चहचहाती रहती है वो उनका दिवस मनाया जाए क्योंकि ये भी अब धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, विलुप्त के कंडीशन में है, तो लोग अवेयर रहे और ये विलुप्त ना हो इसलिए भी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आइए बढ़ते हम लोग अगले करंट की तरफ। द बैंक हैज अनाउंस्ड द इशू ऑफ वीजा डेबिट कार्ड इन एसोसिएटेड विथ वीजा कंपनी। एक बैंक है भारत की जिसने वीजा कंपनी के साथ मिलके और भारत में वीजा डेबिट कार्ड इशू किया है अभी रिसेंटली। तो कौन सी बैंक है, ऑलमोस्ट जो बैंक है वो वीजा डेबिट कार्ड चलाते हैं या मास्टर कार्ड चलाते हैं या रुपे कार्ड चलाते हैं, ये कौन सी बैंक है जिसने वीजा डेबिट कार्ड शुरू किया है वीजा कंपनी के साथ मिलके, तो उस बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली वीजा कंपनी के साथ मिलके वीजा डेबिट कार्ड इशू किया है। एक और इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखेंगे करंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में 10 मिलियन डेबिट कार्ड इशू करने का मोटिव है इस पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू। मतलब ये पेटीएम पेमेंट बैंक की ये कोशिश है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 10 मिलियन डेबिट कार्ड इशू किए जाएं और लोगों तक पहुंचाए जाएं, ठीक है। अब ये पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई जी, तो 2017 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नोएडा में है। उसके बाद इसके MD और CEO कौन है, तो सतीश कुमार गुप्ता जी है। और इसके फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा है, ठीक है। तो ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने 10 मिलियन डेबिट कार्ड इशू करने का मोटिव रखा है
वीजा के साथ मिलके, और ये हमें ध्यान रखना है इसका फाउंडेशन ईयर या इसके चीफ कौन है। ठीक है, आइए बात करते हैं हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है सुपर हीरो इज बीइंग यूज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग चिल्ड्रन अबाउट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के अगेंस्ट बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक नया मिशन शुरू किया गया है। कौन सा मिशन जी? तो आप देखेंगे एक कॉमिक बुक शुरू की गई है जिससे बच्चों में इस कोरोना वायरस को के रिगार्डिंग अवेयरनेस अधिक से अधिक फैलाई जाए और बच्चों में ये बीमारी न हो, इसका संक्रमण न हो। तो ये जो कॉमिक बुक शुरू की गई है उस कॉमिक बुक का नाम है किड्स वायु एंड कोरोना। किड्स वायु एंड कोरोना, इसमें जो किड्स वायु है ये सुपर हीरो के रूप में काम करेगा, मतलब जो कैरेक्टर है वो सुपर हीरो का है, और जो कोरोना है उसको विलेन के रूप में दिखाया गया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो बच्चा वायु है किड्स, वो कैसे सुपर हीरो की तरह इस कोरोना वायरस को डिफीट करता है। ठीक है, तो इसमें इसमें इस एक स्टोरी डेवलप की गई है, ये किड्स वायु सुपर हीरो के रूप में और कोरोना को विलेन दिखाया गया है जिससे बच्चों में कोरोना वायरस के अगेंस्ट सारी बातें समझ में आए और वो कोरोना से बच सके, कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सके। ठीक है, तो ये इसमें वायु को सुपर हीरो के रूप में रखा गया है और ये कॉमिक बुक है, और ये जो मिशन है ये मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, आइए अब हम यहां पर क्योंकि कोरोना की बात कर रहे हैं तो कोरोना से रिलेटेड एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं कि कोविड 19 से प्रभावित जो श्रमिक हैं हमारे देश के बहुत सारे लेबर क्लास के लोग हैं जो श्रमिक, अगर मान लीजिए कोरोना वायरस से इंफेक्टेड हैं तो उनको अटल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत सरकार उनको संरक्षण प्रदान करेगी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी, उनका इंश्योरेंस करेगी। ठीक है, तो अटल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कोविड 19 से इफेक्टेड श्रमिकों को इंश्योरेंस दिया जाएगा जिसका प्रभाव, जिससे उनके इस वायरस के प्रभाव को आर्थिक रूप से कम उन श्रमिकों को पर किया जा सके। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है अपने लिए। आइए बढ़ते हम अगले करंट की तरफ। ठीक है, अगला करंट कह रहा है कि इंडियन रेलवे हैज टारगेटेड टू इलेक्ट्रिफिक ऑल ब्रॉडगेज रूट। इंडियन रेलवे की ये कोशिश है कि जितने भी ब्रॉड गेज रूट है उनको इलेक्ट्रिफिक किया जा सके, मतलब पूरी तरह से विद्युतीकरण उनका किया जा सके। किसका? ब्रॉड गेज का। यहां ब्रॉड गेज की बात कर रहा है, सभी की नहीं बात कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रॉड गेज लाइन को की कोशिश है कि उनका विद्युतीकरण किया जा सके। कब तक? तो 2023 तक, 2023 तक भारत सरकार की इंडियन रेलवे की ये कोशिश है कि जो ब्रॉडगेज लाइन है उनका विद्युतीकरण कंप्लीट किया जा सके। कितने किलोमीटर? तो 18,810 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन का विद्युतीकरण कंप्लीट किया जा सके। कब तक? 2023 तक। अब क्योंकि यहां पर गेज की बात कर रहा है तो आप देखेंगे इंडियन रेलवे की जो पटरियां हैं, रेल लाइंस जो है, उनको तीन अलग अलग गेजेस में बांटा गया है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। पहला जो होता है उसको हम ब्रॉड गेज बोलते हैं, 5 फीट 6 इंच होता है। दूसरा मीडियम, 3 फीट 6 इंच, और नैरो जो होता है सबसे छोटा, 2 फीट 6 इंच होता है। ठीक है, तो यहां पर ब्रॉड गेज की बात कर रहा है सिर्फ कि 2023 तक हम ब्रॉड गेज को पूरी तरह से इलेक्ट्रिफिक कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर सरकार की यह कोशिश है कि 2024 तक टारगेट टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे, मतलब भारतीय रेलवे का 2024 तक पूरी तरह से, मतलब 100% विद्युतीकरण पूरा हो जाए, ये कोशिश है। तो ये दोनों ही बातें अपने को ध्यान में रखनी है, 2023 तक तो ब्रॉडगेज के को टारगेट है और 2024 तक सभी रेलवे लाइंस को इलेक्ट्रिफिक करने का मोटिव है सरकार का। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ। अगले करंट की बात करें तो स्टार्टेड हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज। अभी रिसेंटली हैशटैग सेफ हैंड चैलेंज की शुरुआत की गई है। कहां से की गई है और इसका मोटिव क्या है? तो ये शुरू किया है WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
हैशटैग सेफ एंड की शुरुआत की है। क्या है जी इसका मोटिव? तो इसका मोटिव ये है कि सभी लोग डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज के जो पीपल्स हैं लोग, वो हाथ धोते समय अपना एक डिफरेंट वीडियो बनाए हाथ धोते समय, ठीक है, हाथ धोते समय अपना वीडियो बनाए और उस उन वीडियोस को डिफरेंट सोशल साइट्स पर अपलोड करें और हैशटैग सेफ हैंड्स को के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग प्रॉपर तरीके से हाइजीनिक रहें, हाथ धोएं और साफ रहें, ठीक है। तो इसका WHO के द्वारा हैशटैग सेफ हैंड एक 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 हैशटैग चलाया गया है, जिसमें ये मोटिव है कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से हाथ धोते हुए वीडियो बना के और डिफरेंट सोशल साइट्स पर इसको टैग करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कोरोना वायरस के रिगार्डिंग जो प्रिवेंशन है उसको कर सके, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अब WHO की, तो ठीक है, WHO की बात करें तो WHO की स्थापना कब हुई? 1948 में। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। और WHO का हेड कौन है? तो टेड्रो एडहेनम, ठीक है। तो ये कुछ WHO से रिलेटेड फैक्ट्स था जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ। करंट, अगला करंट कहता है द इंडियन नेवी हैज एस्टेब्लिश्ड अ क्वार्टिनाइन फैसिलिटी। भारत में पहली बार डिफेंस अर्थात नेवी के द्वारा एक क्वार्टाइन फैसिलिटी शुरू की गई है। ये क्वार्टाइन का मतलब क्या होता है? तो अभी आप कोरोना वायरस पर बात कर रहे हैं, क्वार्टाइन और आइसोलेशन ये दो वर्ड होते हैं। क्वार्टाइन का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई विदेशों से आता है और लगता है कि वो इन्फेक्टेड हो सकता है, तो वो कुछ वक्त तक अपने आप को क्वार्टाइन कर लेता है, ठीक है। अब बाद में जब उसको इसके लक्षण पता चलते हैं कि वो पॉजिटिव है, तो फिर उसको आइसोलेशन में भेजा जाता है, जिसमें वो एक बंद कमरे में रहता है और अपने आप को आइसोलेट करता है, दूसरे लोगों को इससे इन्फेक्ट होने से बचाता है। तो ऐसा एक क्वार्टाइन सेंटर इंडियन नेवी ने बनाया है, जिसकी ये बनाया गया है विशाखापट्टनम में, ठीक है। और इसकी कैपेसिटी है 200 बेड की। अगर कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई हो जाए कि अगर कि उनमें ये वायरस हो सकता है, तो वो अपने आप को सेल्फ वो अपने क्वार्टाइन सेंटर में जा सकते हैं। तो 200 बेड का विशाखापट्टनम में क्वार्टाइन सेंटर बनाया गया है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेवी के द्वारा बनाया गया है, ताकि मिडिल एशिया से आने वाले लोगों को वहीं पर क्वार्टाइन किया जा सके, उनको भारत के दूसरे प्लेसेस में नहीं भेजा जा सके, और क्योंकि अगर दूसरी जगह जाएंगे तो इन्फेक्शन और बढ़ेगा। अब यहां पर इंडियन नेवी की बात हो रही है, तो अभी आप देखेंगे कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंट कमीशन दे दिया भारत की महिलाओं को। इंडियन नेवी में अब भारत की महिलाओं को परमानेंट कमीशन मिल गया, परमानेंट उनकी नियुक्ति हो सकती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि नेवी के चीफ कौन है जी, तो नेवी के चीफ है अभी रिसेंटली करमवीर सिंह जी। और नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है एवरी ईयर 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नेवी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है द स्टेट गवर्नमेंट्स हैड रिमूव्ड रिजर्वेशन इन प्रमोशनल फॉर SC/ST एम्प्लॉइज। अभी रिसेंटली एक स्टेट ने SC/ST के प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिया जाता था, मतलब प्रमोशन के लिए जो SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाता था, उसको रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया है। तो कौन सा स्टेट है जी जिसने प्रमोशन के लिए जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त कर दिया है? तो अगर हम बात करें तो वो पहला स्टेट है यहां पर उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय अभी आया है, जिसमें जितने भी प्रमोशन के लिए SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाता था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब किसी भी SC/ST को प्रमोशन के लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अब क्योंकि उत्तराखंड में हुआ है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से फैक्ट है। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है जी? देहरादून। उसके बाद उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, रिसेंट सीएम है
त्रिवेंद्र सिंह रावत। उसके बाद उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्या। बेबी बेबी रानी मौर्या जो है वो है गवर्नर कहां की? उत्तराखंड की। उसके बाद अभी आप देखेंगे उत्तराखंड में इंटरनेशनल योगा महोत्सव मनाया गया, कहां पे? तो ऋषिकेश में। ऋषिकेश में 1-7 मार्च के बीच इंटरनेशनल योगा महोत्सव सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उत्तराखंड में, ऋषिकेश में, ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो क्या है? तो ऋषिकेश में ही गंगा नदी के ऊपर ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज क्या है भाई? तो ये सस्पेंशन पर खड़ा होगा और ग्लास फ्लोर होगा, मतलब जिस पर आप चलेंगे वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो ग्लास का बना होगा, मतलब अगर आप इस पर चल रहे हैं तो ये नीचे दिख रहा है सब कुछ। तो आप देखेंगे ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है कहां पे? तो ऋषिकेश में। किस नदी पर? तो गंगा रिवर पर। और कहां? तो उत्तराखंड में। समझ में आ रही है बात? आइए हम बात करते हैं अगले यहां पर उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है अपने एग्जाम में पूछे जाती है ज्योग्राफी से रिलेटेड, वो उसको भी हम देख लेते हैं। एक टिहरी डैम है बॉस, पूछा है कई बार कि टिहरी डैम कहाँ है, तो टिहरी डैम है उत्तराखंड में। और ये किस नदी पर बना है? तो भागीरथी, भागीरथी पर बनाया गया है टिहरी डैम। और एक भारत का सबसे पुराना आप देखेंगे एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, ठीक है, अंग्रेजों के जमाने में बना, अभी भारत का पहला नेशनल पार्क इसे माना जाता है। ठीक है, हेली नेशनल पार्क पुराना इसका नाम था, बाद में इसको जिम कॉर्बेट कहा गया। और इसी जिम कॉर्बेट से एक नदी निकलती है जिसका नाम है राम गंगा। राम गंगा एक नदी निकलती है इसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। आइए बढ़ते हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है कि द बुक टाइटल माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट वॉज रिलीज्ड। एक बुक है माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, इस बुक का विमोचन अभी किया गया रिसेंटली। ठीक है, इस बुक के राइटर कौन है जी? तो बालचंद्र मुंगेरकर है। ठीक है, ये जो बालचंद्र, अब क्योंकि इस बुक को अभी अभी इशू किया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो बालचंद्र मुंगेरकर ने जिन्होंने ये किताब लिखी है, इस किताब, ये जो बालचंद्र जी है ये हमारे देश के एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और साथ साथ एक्स मेंबर ऑफ राज्यसभा भी रह चुके हैं, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि बालचंद्र मुंगेरकर इनको इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ राज्यसभा के एक्स मेंबर भी हैं। तो इन्होंने एक बुक लिखी है माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। बुक का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में इनका इनकाउंटर हो गया। कैसे? इतने सज्जन आदमी, क्या क्या इनके साथ हुआ, इन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट है अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC। अभी HSBC आप जानते हैं एक फेमस बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है, जिसका फुल फॉर्म होता है कि संघाई बैंक कॉरपोरेशन। ठीक है, संघाई बैंक कॉरपोरेशन, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभी रिसेंटली किसको बनाया गया है? तो नोएल क्वीन को बनाया गया है। HSBC का अभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोएल क्वीन को बनाया गया है। HSBC का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन, UK, इंग्लैंड में। HSBC बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1865 में हुई। और इसके अभी रिसेंट चेयरमैन कौन है? तो मार्क टैकर जो है इसके HSBC के चेयरमैन है। अब ठीक है, तो यहां पर हमें ये बात ध्यान रखना है कि नोएल क्वीन को HSBC का चेयरमैन, जो एक इंटरनेशनल बैंक है, भारत में भी इसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है कि इंडिया रैंक इन इंटरनेशनल एनर्जी रैंकिंग। इंटरनेशनल एजेंसी रैंकिंग में, एनर्जी एजेंसी रैंकिंग में
भारत की पोजीशन कौन से नंबर पर है अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन, खपत के आधार पर। तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें भारत की जो पोजीशन है वो है थर्ड अकॉर्डिंग टू कंजम्पशन, खपत करने के अनुसार तीसरे स्थान पर भारत है। अब आपको मैं बताऊं कि अगर हम प्रति व्यक्ति खपत की बात करें तो प्रति व्यक्ति खपत के अनुसार अपन लोग 106 नंबर पर है, ठीक है। और एक एजेंसी है जिसने पिछला एक डेटा दिया था जिसमें बताया था कि मई 2019 में 72% इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हमने कोल अर्थात कोयला से किया है। मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है ऑफ ऑलमोस्ट 72% वो हमने कोयला से किया है। सो हाँ, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो 72% हमने कोल से इसका प्रोडक्शन किया है एक एजेंसी के द्वारा, ये हमें डेटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रैंकिंग दी गई है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इंपॉर्टेंट हो सकती है क्या? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, और ये 30 सदस्यों की एजेंसी है जिस जो ये रैंकिंग जारी करती है 30 सदस्यों की, ठीक है, 30 सदस्य देशों की। तो 1974 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर पेरिस और 30 सदस्य देशों की ये एजेंसी है जो ये रैंकिंग जारी करती है। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो फैक्ट, अगला जो करंट है वो कह रहा है कि फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया डायर ड्यू टू कोरोना वायरस। अभी रिसेंटली आप जानते हैं कि वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में कोरोना वायरस का प्रकोप है, और एक फेमस कोच प्लेयर थे फुटबॉल कोच फ्रांसिस्को गार्सिया, जिनकी डेथ हो गई है कोरोना की वजह से। तो ये फ्रांसिस्को गार्सिया कहां से थे, आइए इनके बारे में देखते हैं हम। तो ये फ्रांसिस्को जो गार्सिया है ये स्पेन के थे, स्पेन के की फुटबॉल कोच थे। इनकी उम्र 21 वर्ष थी, 21 इयर्स के यंगेस्ट फुटबॉल कोच थे, ठीक है, स्पेन के, जिनकी डेथ अभी रिसेंटली कोरोना वायरस की वजह से हुई है। अब क्योंकि यहाँ स्पेन मूव कर रहा है तो स्पेन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हमें पता होने चाहिए, क्या? तो स्पेन का कैपिटल कहाँ है जी, तो मैड्रिड में है। उसके बाद स्पेन की करेंसी कौन सी है, यूरो है। उसके बाद स्पेन के पीएम अभी कौन से हैं, तो पेड्रो सैंजिंग है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि स्पेन में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है, जो वर्ल्ड टूरिज्म विश्व पर्यटन संस्थान है, इसका हेडक्वार्टर स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है, ये हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद एक फेमस प्लेयर है टेनिस के जिनका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, राफेल नडाल, ये भी कहाँ के हैं, तो ये भी स्पेन से ही है, ठीक है। इन्होंने कई सारे अवार्ड जीते हैं। और रिसेंटली क्लाइमेट चेंज पर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, COP25, ये कहां हुआ था, स्पेन में, मैड्रिड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है कि ये स्पेन से रिलेटेड जो अपने लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट रिमूव द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन ए डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक मंत्री को डिसक्वालिफाई किया है, ठीक है। तो इस दिस क्यों डिसक्वालिफाई किया जी, और किस स्टेट के वो मिनिस्टर थे? तो यहां पर आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पहली बार अयोग्यता के आधार पर एक मंत्री को हटाया गया है, ठीक है। और वो जो मंत्री है वो है मणिपुर के, ठीक है। अब मणिपुर के मंत्री को हटाया गया है जो करेंटली बीजेपी के मंत्री थे, जिन्होंने 2017 में चुना हुआ था, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया था, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू उनको हटाया गया है, ठीक है। तो अब मणिपुर यहां मूव कर रहा है, तो मणिपुर का कैपिटल कहां है जी, इम्फाल में, ठीक है। उसके बाद अगर हम मणिपुर के गवर्नर की बात करें तो मणिपुर की गवर्नर है नाजमा हेप्तुल्ला, ठीक है। मणिपुर के सीएम कौन है, तो एन बीरेन सिंह अभी रिसेंटली मणिपुर के सीएम है। और ऐसा माना जाता है कि जो मणिपुर है वहीं से पोलो जो ये खेल है इसका उद्गम स्थान माना जाता है, उद्गम प्लेस, ठीक है, पोलो। और आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं मणिपुर के रिगार्डिंग, मणिपुर में एक लोकटक झील है जिसको हम फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, और इसी फ्लोटिंग लेक पर केबुल
काबुल लाम जाओ नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इस फ्लोटिंग लेक पर केबुल लाम जाओ एक नेशनल पार्क है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर एक एक इंपॉर्टेंट फ्लावर पाया जाता है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, जो काफी पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यही पाया जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखेंगे, ये मणिपुर के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स है जो मैंने आपको बताया। आइए बढ़ते हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है कि 7th वर्ल्ड सिटी समिट बी हेल्ड, 7वां विश्व शहर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कहां आयोजित होगा भाई? तो यह आयोजित होगा सिंगापुर में, ठीक है। 7वां विश्व शहर सम्मेलन आयोजित होगा कहां पे? तो ये सिंगापुर में आयोजित होगा। किस टाइम पीरियड में? तो 5 से 9 जुलाई 2020 में, ठीक है। सिंगापुर ने इस कॉन्फ्रेंस को अनाउंस किया है और ये कॉन्फ्रेंस 5 से 9 जुलाई 2020 के बीच में होगा। यहां पर मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसका जो थीम है वो है लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज अडॉप्टिंग टू ए डिस्ट्रप्टेड वर्ल्ड, ठीक है। इसका थीम है इस वर्ल्ड सिटीज समिट का, 7th, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, 7th वर्ल्ड सिटीज समिट है। और आपको बताऊं कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने यूपी के सीएम आदित्यनाथ को इनवाइट किया है इस कॉन्फ्रेंस में। ये इंपॉर्टेंट है कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने स्पेशली यूपी के गवर्नमेंट आदित्य योगी को इनवाइट किया है इस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब हम सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का कैपिटल कहां है जी? तो सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर की करेंसी का नाम क्या है? सिंगापुर डॉलर, ठीक है। और सिंगापुर के अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट कौन है? तो हलीमा याकूब, ठीक है। और आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि एपेक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है सिंगापुर में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे इससे रिलेटेड 7th सिटीज कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया, जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। अगला करंट है कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे सेलिब्रेटेड, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया है। कब मनाया गया जी? तो ये मनाया गया 18 मार्च को, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई इस ग्लोबल रिसाइकलिंग डे की? तो इसकी शुरुआत की थी हमने 18 मार्च 2018 के बाद से हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है। डिफरेंट जो हम लोग चीजें यूज करते हैं, प्लास्टिक की हो या कोई भी चीज, उसको प्रॉपर रिसाइकल करके दोबारा से हम यूज कर सके, इसके लिए रिसाइकल डे के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम क्या है? तो रिसाइकलिंग हीरोज, ठीक है। तो रिसाइकलिंग हीरोज है और 18th ऑफ मार्च को रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ। करंट, अगला करंट कहता है रिजाइन फ्रॉम द क्रिसिल बोर्ड। क्रिसिल बोर्ड से किसी एक फेमस पर्सनालिटी ने रिजाइन कर दिया है, और वो फेमस पर्सनालिटी कौन है? तो वो फेमस पर्सनालिटी है, आप सभी उनका नाम जानते होंगे, उनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य ने क्रिसिल से रिटायरमेंट रिजाइन कर दिया है। अब ये क्रिसिल क्या है जी? तो क्रिसिल है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक संस्था है जो डिफरेंट जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, जो किसी भी तरीके से फाइनेंशियली लेन देन करते हैं, उनकी रेटिंग जारी करती है। रेटिंग का मतलब कि वहां पर इन्वेस्ट करना कितना रिस्क है, मतलब अगर आप वहां इन्वेस्ट करते हैं तो कम रिस्क है, ज्यादा रिस्क है या फुल रिस्क है। तो ये एजेंसी उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की रेटिंग इश्यू करती है, जिसको आप देख के अनुमान लगा सकते हैं कि उस इंस्टीट्यूशन या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट करना सुरक्षित है या नहीं। इसकी स्थापना वो 1988 में की गई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RBI, ठीक है। और इसके बाद से कई सारे जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनकी स्थापना की गई, जैसे क्रिसिल है, इकरा है, केयर है, डफ फिलिप्स है, ठीक है। तो क्रिसिल से अभी रिसेंटली अरुंधति भट्टाचार्य ने रिजाइन कर दिया है। अरुंधति भट्टाचार्य इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रही थी क्रिसिल में, ठीक है। और अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये SBI की एक्स चेयरमैन रह चुकी है। अभी रिसेंटली कौन है SBI का चेयरमैन? रजनीश कुमार, ठीक है। तो एक्स चेयरमैन रह चुकी है। और एक इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट ये है कि ये SBI की फर्स्ट वुमेन चेयरमैन थी, पहली महिला अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अभी अरुंधति भट्टाचार्य जो है
वो अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है स्विफ्ट, स्विफ्ट इंडिया। इसकी चेयरमैन है अभी रिसेंटली अरुंधति भट्टाचार्य, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्क्रिसिल का मैंने बताया कि इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1988, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, और अभी इसके रिसेंट सीईओ कौन है, आशु सुयश जो है वो है अभी रिसेंटली इसके सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नेक्स्ट करंट की बात करते हैं हम, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूएनडीपी हाउ मेनी कंट्रीज अचीव्ड जेंडर पैरिटी। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि यूएनडीपी के द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो यूएन की एक एजेंसी है उसने एक इंडेक्स जारी किया है, एक सूची, जिस सूची का नाम है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ठीक है। इस ये जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स क्या करती है जी, तो ये एक सूची तैयार करती है पूरे वर्ल्ड की जिसमें यह बताया जाता है कि कहां कहां पर किन किन देशों में लैंगिक समानता है, मतलब आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से आर्थिक राजनीतिक सामाजिक रूप से जेंडर पैरिटी है, मतलब पुरुषों के बराबर भी महिलाओं की भागीदारी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि यूएनडीपी ने ये जो रैंकिंग जारी की है इसमें ये जीरो कंट्री में है, एक भी कंट्री में हमें जेंडर पैरिटी नहीं मिली है, एक भी कंट्री में, जीरो कंट्री है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि इस यूएनडीपी की ये कोशिश थी कि 2030 तक टारगेट अचीव करने का, मतलब जो जेंडर पैरिटी है उसको स्थापित करने का उद्देश्य था 2030 तक कि अधिक से अधिक देशों में सोशली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जेंडर पैरिटी मतलब लैंगिक समानता पूरी की जा सके, लेकिन ऐसा हमें दूर दूर तक नहीं दिखता, अर्थात अभी ऐसा नहीं लगता कि 2030 तक हम जेंडर पैरिटी कर पाएंगे। और आपको मैं बताऊं कि अभी हमें आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली जेंडर पैरिटी लाने में 257 ईयर्स लगेंगे अभी इस इकोनॉमिक जेंडर पैरिटी लाने में, मतलब आर्थिक समानता लाने में जिसमें पुरुषों के साथ महिलाओं की भी बराबर की भागीदारी होगी। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर अगर इस जेंडर पैरिटी की बात करें तो सबसे वर्स्ट कंडीशन पाकिस्तान की है, वर्स्ट का मतलब सबसे खराब, यहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ भेदभाव और उनके साथ महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है डिफरेंट क्षेत्रों में, ठीक है। अब क्योंकि यहां पर यूएनडीपी बार बार यूएनडीपी के द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है, तो यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहां है जी, न्यूयॉर्क में, और यूएनडीपी के अभी रिसेंट चेयरमैन कौन है, तो अकीम स्टेनर जो है वो अभी रिसेंटली यूएनडीपी के चेयरमैन है। तो ये यूएनडीपी से रिलेटेड और उसके द्वारा जारी किए गए रैंकिंग को हमें ध्यान में रखना है, ये अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए बढ़ते हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कहता है कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर बुक, ठीक है। मनोहर पारिकर पर एक बुक लिखी गई है, ए बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, कौन सी, तो इसका नाम है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ मनोहर पारिकर की ये बायोग्राफी है। इसको लिखा किसने है, तो इसको दो लोगों ने मिलकर लिखा है, ठीक है। कौन कौन, तो सदगुरु पाटिल और दूसरे हैं माया भूषण नागेवकर, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर मनोहर पारिकर पर एक बुक लिखी है, उनकी बायोग्राफी, जिसमें मनोहर पारिकर के जीवन के सारे पहलुओं को आप देखेंगे छुआ गया है और उनके डिफरेंट जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में और सोशल लाइफ में किया उन सारी बातों को इस बुक में संजोया गया है, और उस बुक का नाम है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनोहर पारिकर काफी ऑनेस्ट और बहुत हार्ड वर्कर थे, लास्ट टाइम में जब उनको कैंसर हो गया तब भी वो काम कर रहे थे, मतलब काम करते के दौरान ही उनकी डेथ हुई, ठीक है। तो सदगुरु पाटिल और माया भास्कर नागेवकर के द्वारा इनकी बायोग्राफी किसी की लिखी गई है, किसकी, मनोहर पारिकर की। और मैंने आपको बताया था रक्षा अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान का नाम मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये गोवा के एक्स सीएम है और हमारे देश के एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड
who suspended our capital market. विश्व का वो पहला कौन सा देश है जिसने अपने पूंजी बाजार को बंद कर दिया है. पूंजी बाजार का मतलब शेयर मार्केट. ठीक है, शेयर मार्केट आप जानते हैं कि बहुत सारी कंपनियां लिस्टिंग करती हैं और इससे काफी किसी भी देश को बेनिफिट होता है. ठीक है, तो यहां पर विश्व का वो पहला देश है जिसने अपने शेयर बाजार को कोरोना वायरस के डर से बंद किया है अगले नोटिफिकेशन तक. ठीक है, कौन सा देश है जी? तो उस देश का नाम है फिलीपींस. फिलीपींस ने फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है. अगले आदेश तक के लिए क्यों भाई? तो क्योंकि कोरोना वायरस का इफेक्ट काफी फैल रहा है और कोरोना वायरस से का संक्रमण रोकने के लिए फिलीपींस गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप लिया गया है और इसने अपने इस कैपिटल मार्केट को फिलीपींस स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया है. अब क्योंकि फिलीपींस यहां करंट में मूव कर रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? तो फिलीपींस का कैपिटल कहां है जी? तो फिलीपींस का कैपिटल है मनीला. फिलीपींस की करेंसी कौन सी है? तो फिलीपींस पीसो. ठीक है, उसकी करेंसी का नाम है. फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोड्रिगो ड्यूटेरा. उसके बाद यहां पर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है. कहां पे? मनीला में. एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां है जी? तो इसका हेडक्वार्टर है मनीला में. इसे एशिया का वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है. अपने देश में इलेक्ट्रिफिकेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सारा पैसा दिया है. किसने? एडीबी ने. ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है जी? मनीला में. ये हमें फैक्ट्स ध्यान रखने हैं. ठीक है, बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ. अगला करंट कह रहा है टू लॉन्च अ फर्स्ट वेब पोर्टल टू ट्रैक कोविड 19 इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड. अभी रिसेंटली एक कंपनी है जिसने कोविड 19 के इन्फेक्शन को के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाने और उसको प्रिवेंट करने के लिए एक वेब पोर्टल जारी किया है. ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक वेब पोर्टल जारी किया है. ठीक है, टू ट्रैक कोविड 19, मतलब जो कोरोना वायरस से इफेक्टेड कंट्रीज हैं उनको ट्रैक करने के लिए. इसका मतलब ये है कि इस वेब पोर्टल पर किस देश में कोरोना के कितने वायरस हैं, सॉरी कोरोना के कितने इन्फेक्टेड लोग हैं, उनका डेटा हमें इस वेब पोर्टल पर मिलेगा, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी तेजी से ये वायरस फैल रहा है. तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ये वेब पोर्टल जारी किया गया है. ठीक है, और इसका मोटिव क्या है? टू ट्रैक कोविड ऑफ वर्ल्ड वाइड कोविड को, मतलब इस वायरस को ट्रैक किया जा सके. ठीक है, अगले फैक्ट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे. अब ये माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा एक वेब पोर्टल जारी किया है जो इस वायरस को से इफेक्टेड लोगों को ट्रैक करेगा. तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? 1975 में. माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन. अभी आपको रिसेंटली करेंट में मूव कर रहा था, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, इन्होंने रिजाइन कर दिया है. ठीक है, डायरेक्टरी बोर्ड से अपने आप को रिजाइन कर दिया है. उसके बाद इसका माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां है जी? वॉशिंगटन अमेरिका में है. इसके सीईओ कौन है? सत्या नाडेला. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सत्या नाडेला है. ठीक है, और आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जो अभी करंट में मूव कर रहे थे कि $1 trillion पार करने वाली तीन कंपनियां हैं जिसमें तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट थी. ठीक है, तीसरे नंबर पर $1 trillion पार करने वाली. एक नंबर पर कौन है? एक नंबर पर एप्पल थी और दो नंबर पर अमेज़न और तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट थी जिसने $1 trillion अपना बिजनेस $1 trillion अपना बिजनेस कर लिया है. ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम अगले करंट की तरफ. अगला करंट कहता है कि अपॉइंटेड एज द फोर्थ एडवाइजर टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर के चौथे सलाहकार के रूप में, मतलब गवर्नर वहां के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में चौथे सदस्य को नियुक्त किया गया है. वो चौथा सदस्य कौन है जी? तो उस चौथे सदस्य का नाम है बसीर अहमद खान. बसीर अहमद खान 2000 के जम्मू एंड कश्मीर के कैडर के आईएएस हैं. ठीक है, जिनको अभी रिसेंटली जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार एडवाइजर के रूप में शामिल किया गया है, चौथे मेंबर के रूप में. ठीक है,
अब क्योंकि जम्मू के उपराज्यपाल की बात हो रही है तो कौन है जम्मू के उपराज्यपाल? गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, जम्मू के, सॉरी, दो यूनियन टेरिटरी में है, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख, तो जम्मू के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनके इनके सहयोग के लिए चार बंदों को अपॉइंट किया गया है। कौन कौन से? तो इसमें आर के भटनागर साहब थे, उसके बाद फारूक खान और के शर्मा, तीन लोग ऑलरेडी थे। चौथे मेंबर के रूप में वसीर अहमद खान को अपॉइंट किया गया है जो गिरीश चंद्र मुर्मू के सलाहकार होंगे और इनके साथ मिलके एक बेहतर गवर्नेंस लाने की कोशिश है जम्मू में। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए बात करते हैं अब यहाँ पर, क्योंकि जम्मू से रिलेटेड है तो जम्मू से रिलेटेड कुछ बातें जान ले। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदल के यहाँ पर हरी सिंह जो वहां के राजा थे उनके नाम पर कर दिया गया है, हरी सिंह एयरपोर्ट। ठीक है, जम्मू एयरपोर्ट जो था उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम हरी सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित किया जाने वाला है जम्मू में। ठीक है, इसके माध्यम से विश्व की डिफरेंट कंपनियों को एक फेवरेबल कंडीशंस दी जाएगी जम्मू में और लद्दाख में, ताकि इन्वेस्टमेंट हो, और इन्वेस्टमेंट होगी तो बहुत सारी इंडस्ट्री लगेंगी और वहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा, और जब वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा तो जो भी टेररिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं या जो भी वहां पर अशांति फैल रही है वो कम होगी और वहां के लोगों का जीवन खुशहाल होगा। तो यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर सबमिट आयोजित किया जाने वाला है, कहाँ पे? तो जम्मू में, ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद अभी रिसेंटली जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम बदल के ग्लोबल गुलाब सिंह यूनिवर्सिटी रखे जाने का प्रस्ताव अभी रखा गया है। नाम बदला नहीं है लेकिन रिकमेंडेशन की गई है, हो सकता है कुछ वक्त के बाद गुलाब सिंह यूनिवर्सिटी हो जाए जम्मू यूनिवर्सिटी का नाम। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। रिसेंटली अभी चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जम्मू के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के रूप में हरिदेश कुमार को अपॉइंट किया गया है, अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ। अगला करंट कहता है कि अ न्यू पैसेंजर फेरी सर्विस कॉल्ड रोपेक्स वाज इनॉग्रेटेड। अभी एक नया फेरी सर्विस मतलब नौका सेवा शुरू की गई है जिसका नाम है रोपेक्स। ये किन दो शहरों के बीच या किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई है? तो रोपेक्स नाम से एक नौका सेवा शुरू की गई है। ये नौका सेवा महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये फेरी सर्विस शुरू किया गया नौका सेवा जो महाराष्ट्र से मांडवी गोवा जाएगी। अर्थात एक जहाज है जिस पर 1000 कारें और 800 आप देखेंगे दूसरे मोटरसाइकिल्स लोड किए जा सकते हैं और काफी सारे यात्रियों को, और ये महाराष्ट्र से मांडवी सी रूट से चलेगी। ठीक है, तो ऐसी एक नौका सेवा शुरू की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो महाराष्ट्र से मांडवी के बीच चलेगी। इस सीप का निर्माण ग्रीस में किया गया है। ठीक है, जो सीप महाराष्ट्र से मांडवी के बीच चलेगी इसका निर्माण कहां पे किया है? ग्रीस में। ठीक है, अब क्योंकि महाराष्ट्र यहां पर फोकस हो रहा है तो महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स अपने लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या? तो महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है जी? तो आप जानते हैं भगत सिंह कोशियारी, जो काफी इंपॉर्टेंट रहा। अभी जब चुनाव हुए थे तो एक बार प्रेसिडेंट लॉ इम्पोज किया था, फिर हटा के रातों रात सीएम बना दिया था, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे को फिर सीएम बनाया गया अलायंस के थ्रू। तो भगत सिंह कोशियारी इसके गवर्नर हैं। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे शिवसेना के हैं। और अब क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र की बात हो रही है तो महाराष्ट्र में एक एलिफेंट केव है बॉस। ठीक है, महाराष्ट्र में हाथी गुफा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ध्यान में रखना है। उसके बाद अभी शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो वहां के सीएम है, उन्होंने एक नया स्कीम शुरू किया है। क्या? शिव भोजन थाली योजना। 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा, मतलब आपको खाना आप खा सकते हैं शिव भोजन थाली योजना के तहत। ठीक है, उसके बाद अभी एक देखेंगे यहाँ पर, क्यों महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स है, तो यहाँ पर गुवाहाटी में खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया था जिसमें महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ नंबर 1 शीर्ष पोजिशन पर था। ठीक है, 256 मेडल्स जीते थे खेलो इंडिया गेम में जो गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, और इसमें सबसे ऊपर कौन था? महाराष्ट्र 256 मेडल के साथ।
उसके बाद अभी आप देखेंगे कि यहाँ भी कुछ नाम चेंज करने का ट्रेंड चल रहा है क्या, तो ये अभी रिसेंटली औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के संभाजी राव रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के संभाजी राव रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हम अगले कुछ अगले करंट की तरफ। अगला करंट कहता है कि ओन द वेमेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020। इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया, ठीक है, इसमें वेमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता है ये कह रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो इंग्लैंड में जो बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 हुआ उसमें विमेन सिंगल्स का खिताब जीता है ताइजू यांग ने। ताइजू यांग जो है ये एक सटलर है, कहां की, ताइवान की, ठीक है, और ये जो गेम है ये इंग्लैंड के बर्मिंगम में आयोजित किया गया, जहां पर ये इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में विमेन सिंगल्स में ताइजू यांग ने, जो ताइवान की सटलर है, उन्होंने ये अवार्ड विमेन्स ग्रुप में जीता है, विमेन्स सिंगल्स में। अगर हम मेन्स सिंगल्स की बात करें तो मेन सिंगल्स के विनर कौन है, तो इसके है SSC JEn, ये डेनमार्क के हैं, इन्होंने मेन सिंगल्स में ये खिताब जीता है। तो वेमेन सिंगल्स और मेन सिंगल्स ये दोनों ही साथ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। आइए बढ़ते हम अगले करंट की तरफ। अगला करंट कह रहा है कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट राम मनोहर कोविंद। अभी आप देखें काफी विवाद हुआ इस पर। रिसेंटली हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम है तरुण गोगोई, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इंपॉर्टेंट डिसीजन, फाइनल डिसीजन दिया, तो अभी उनके रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उन्हें राज्यसभा के रूप में नॉमिनेट किया है, राज्यसभा मेंबर के रूप में नॉमिनेट किया है। इस पर काफी बवाल हुआ, कांग्रेस ने इसका बायकॉट किया, काफी सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर क्वेश्चन मार्क लगाए कि एक चीफ जज कैसे ले सकता है मेंबरशिप। लेकिन ये अपने लिए नया नहीं है, इससे पहले भी कई सारे सरकारों ने ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों को राज्यसभा की सदस्यता दिलाई है। हालांकि यह न्यूज में रहा, हमें उसमें नहीं जाना है, हमें यह देखना है कि ये न्यूज में क्यों रहे और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स हमें देखने हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि रामनाथ कोविंद ने अभी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई है, कौन है जी, तो वो है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई जो है उन्हें राज्यसभा की सदस्य के रूप में नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, इलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड है बाय द प्रेसिडेंट। कौन से, अब रंजन गोगोई इंपॉर्टेंट है, तो रंजन गोगोई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लें क्या। तो रंजन गोगोई हमारे देश के 46वें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, और ये फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न CJI थे, मतलब पहला पूर्वोत्तर भारतीय कोई मुख्य न्यायाधीश बना था, किसका, सर्वोच्च न्यायालय का 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया। और अभी आप देखेंगे 47th चीफ जज CJI सुप्रीम कोर्ट का किसके बनाया गया है, शरद अरविंद बोबड़े को। और शरद अरविंद बोबड़े कहां से है जी, तो ये है महाराष्ट्र से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्योंकि इन्हें राज्यसभा में नामित किया गया है तो राज्यसभा की कुल संख्या 250 होती है, ठीक है, 250 ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम हो सकती है। अभी रिसेंटली अभी इसकी जो सीट संख्या है वो है 245, 245 में 233 राज्यों से और 12 को नॉमिनेट करता है, कौन, राज्य प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है किसको, तो जो कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग हैं उनको नॉमिनेट करता है। तो अभी इसी नॉमिनेटेड मेंबर में रंजन गोगोई को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, और इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेंट है जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो आज की सीरीज में बस इतना ही, अगले सेशन में अगले सैटरडे को हम कुछ और नए करंट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। मेरी तरफ से आपको आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने कमेंट्स जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में, जो भी आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, आइकॉन बेल पर दबाएं, अगले अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें।
और कल जो भी एक्सप्लेनेशन और क्लासेस जो डिक्लेयर की गई थी निम्बस लर्निंग ऐप लर्निंग साइट्स पे, वो सारी क्लासेस पोस्टपोन होंगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कल 22 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये अनाउंस किया है कि हम पूरे देश में एक सिविल कर्फ्यू रहेगा, जिसके तहत कोई भी घर से ना निकले और इस कोरोना वायरस को स्प्रेड होने में हम रोक सके। तो कल पूरे देश में एक सिविल कर्फ्यू होगा, इसके तहत सारी क्लासेस अभी पोस्टपोन की गई हैं, और अगला अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहें और अधिक से अधिक लाइक करें, ताकि आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे और मैं और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाता रहूं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, शुभ रात्रि, सबक है।